मूर्ति मोदी जैसा होगा भूमि पूजन। अयोध्या में 5 तारीख लिखेगी नया इतिहास। 32 सेकेंड के अभिजीत मुहूर्त में होगा पूजन। शुभ मुहूर्त तय, भगवान श्री राम की जय। राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान भव्य मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के धाम जाएंगे। इस भव्य दृश्य का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान अमेरिका के टेक्सास शहर के ह्यूस्टन में सितंबर 2019 में हुए हाउडी मोदी के कार्यक्रम की याद भारतवासियों के जहन में होगी। कोरोना संकट के कारण भूमि पूजन में भले देश की सभी बड़ी हस्तियों को शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस आयोजन को हाउडी मोदी की ही तर्ज पर मेगा इवेंट बनाने की तैयारी जोरों पर है। सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी के कारण सीमित संख्या में ही लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। बावजूद इसके सभी राम भक्त स्वयं को कार्यक्रम में शामिल महसूस कर सके, इसकी योजना बनाई जा रही है। देश भर में लाइव प्रसारण के अलावा अयोध्या फैजाबाद के जुड़वा शहरों में दर्जनों स्थानों पर LED TV के माध्यम से कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। उधर संघ के ही आनुषंगिक संगठन नववर्ष चेतना समिति ने 5 अगस्त को नगरवासियों से दीपावली मनाने की अपील की है और इसके साथ ही इस अपील को सोशल मीडिया पर भी जमकर प्रमोट किया जा रहा है। रामनगरी में इस दिन को वाकई किसी दिवाली के दिन जैसा देखा जा रहा है। पांच अगस्त को पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 11 बजे से दोपहर 1:10 तक पीएम अयोध्या में रहेंगे। सुबह 8 बजे से ही भूमि पूजन का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। दोपहर 12:15 पर भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। 11 पंडितों की टीम भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करवाएगी। अयोध्या में मंदिर शिलान्यास की तारीख तय हो चुकी है। अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन होगा। राम मंदिर मॉडल में किए गए खास बदलाव। अब 2 नहीं 3 मंजिला होगा राम मंदिर। पहले से 20 फीट ऊंचा होगा भव्य राम मंदिर। 5 शिखर वाला राम मंदिर होगा सबसे सुंदर सबसे विशाल। सावन के आखिरी दिन 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, लेकिन इस मंदिर को और भी ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। राम मंदिर के पहले वाले मॉडल में खासा बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे मंदिर जितना खूबसूरत और विशाल बनाया जा सके बनाया जाए। अभी हाल ही में हुई बैठक में यही बात सामने आई कि मॉडल में फेरबदल किया जाए। तो आइए एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि कैसा होगा प्रस्तावित राम मंदिर के नए मॉडल का स्वरूप। राम मंदिर के मॉडल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहले यह मंदिर आयताकार था, लेकिन अब इसे क्रूसीफॉर्म आकार में तैयार किया जाएगा। पहले मंदिर में 2 मंडप तैयार किए गए थे, लेकिन अब 5 मंडप होंगे। पहले मंदिर 2 मंजिला मंदिर का निर्माण होना था, लेकिन नए मॉडल में मंदिर 3 मंजिला होगा। पहले मंदिर का आकार 313x149 फीट का था और इसका आकार बदलकर 344x235 फीट कर दिया गया है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई पहले 138 फीट थी, जिसको बढ़ाकर अब 161 फीट किया जाएगा। पहले जहां मंदिर की क्षमता 20,000 भक्तों की थी, अब 50,000 से ज्यादा भक्त एक साथ पूजा कर सकते हैं। पहले मंदिर में लगने वाले पत्थर की मात्रा 2,43,000 घन फीट थी, जिसे अब बढ़ाकर 3,75,000 घन फीट कर दिया गया है।
तीन मंजिला मंदिर में 318 खंबे होंगे और हर तल पर 106 खंबे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिर के मुख्य परिसर का क्षेत्रफल भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। मंदिर को विशाल और सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला दुनिया भर में एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है। आकर्षण का केंद्र बनने वाला राम मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक होगा, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे और हिंदुस्तान की आस्था को शत शत प्रणाम करेंगे।